हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमकेएच। मैं रूबी सिंह आडिया। और चलिए स्टूडेंट्स, हमारी जो प्रश्नावली चल रही थी, प्रश्नावली 2.3, उसके दो क्वेश्चन हमने बहुत ही बेहतर तरीके से कर लिए हैं। आज हमने करना है इसका तीसरा क्वेश्चन। लेकिन तीसरे क्वेश्चन को करने से पहले हमें एक चीज़ आनी चाहिए जिसे हम बहुत ही आसानी से समझेंगे, ठीक है। वो चीज़ क्या है? वो चीज़ ये है कि हमने अब तक क्या सीखा। हमने अब तक सीखा कि हम बहुपद से शून्यांक कैसे ज्ञात कर सकते हैं। जैसे हमारी जो प्रश्नावली थी 2.2, उसके अंदर 2.3 में नहीं 2.2 में 2.2 में हमने सीखा था कि बहुपद हो तो शून्यांक कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है। अब हम उसका ऑपोजिट देखेंगे कि अगर हमें शून्यांक ज्ञात हो तो हम बहुपद कैसे ज्ञात करते हैं, क्योंकि उस चीज़ का उपयोग इस क्वेश्चन के अंदर होने वाला है, ठीक है। बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन पर अभी नहीं आ रहे हैं, क्वेश्चन पर आने से पहले इस चीज़ को समझिएगा। जैसे मान लीजिए मैंने अपनी मर्जी से कोई भी बहुपद ले लिया, अपनी मर्जी से कोई भी बहुपद ले लिया और मैंने आपको ये कह दिया कि ये मेरा बहुपद है, इसके शून्यांक ज्ञात कीजिए। तो प्रश्नावली 2.2 में जो हमने किया था, कैसे कि इस बीच वाले के ऐसे दो टुकड़े कीजिए कि जोड़े गंडाएं तो यही आ जाए, लेकिन गुणा करें तो इन दोनों का गुणा आना चाहिए, ठीक है। तो जोड़े घटाएं तो किसको ले, -2x और -3x, इस तरह से मान लीजिए हमने ले लिए। इसका गुणा करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस, 3 × 6 x2, तो 6x2 का गुणा आ गया, ठीक है। और जैसे जोड़ेंगे तो माइनस के 5 बन जाएंगे, यानी इनके टुकड़े हम कैसे करेंगे, x2 -2x -3x +6 और बराबर में 0 हम रखते होते थे, ठीक है, ऐसे ही करते थे। उसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों में कॉमन लेंगे, तो इन दोनों में x कॉमन आता है तो x -2। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, तो इन दोनों में एक तो माइनस कॉमन ले लेंगे हम और दूसरा हम क्या ले लेंगे, 3 ले लेंगे। तो माइनस कॉमन लिया, 3 कॉमन लिया, अंदर क्या बचेगा, देखो यहाँ से -3 चला गया तो x बचा। अब देखिए प्लस जो है वो 2 माइनस से बना होता है, एक माइनस चला भी गया तो एक माइनस अंदर बचेगा, 6 क्या होता है, 3 × 6 होते हैं, 3 चले गए तो 2 तो बचे, तो यहाँ 2 बच गया बराबर 0। अब देखिए वापस से, क्या इन दोनों में वापस से कुछ कॉमन आ रहा है, आ रहा है x -2 और x -2, तो x -2 इन दोनों में भी कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा, ये बच गया x और ये बच गया -3, है ना, x और -3 बराबर 0। अब आपने देखा कि इस तरह से दो चीज़ें हमारे पास गुणा में होती थी, और दो चीज़ें गुणा में हों और बराबर 0 आ जाए, इसका मतलब या तो पहली 0 है या तो दूसरी 0 है। तो बीच में हमने या का निशान लगा दिया, या सिंपली हमने कर दिया एक डंडा सा लगा दिया, x -2 बराबर 0, इसका मतलब या होता है, यानी या तो इधर वाला या तो उधर वाला, ठीक है। x -2 बराबर 0 हो जाएगा, थोड़ा बड़ा लिखते हैं ताकि साफ दिखाई दे आपको, x -2 बराबर 0 हो जाएगा, -2 उधर जाएगा तो x बराबर 2 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया इसका पहला शून्यांक जिसको आप अल्फा नाम देते थे। दूसरा शून्यांक क्या हो जाएगा, x -3 बराबर 0, x बराबर 3 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया इसका दूसरा शून्यांक जिसे आप बीटा नाम देते थे। अब आपको ये चीज़ नहीं सीखनी है, ये तो आप सीख के आए हैं, ये तो मैंने रिवाइज करवाया है। सीखना क्या है कि अगर हमें 2 और 3 दे दिए जाएँ तब हम वापस इस बहुपद तक कैसे पहुंचेंगे। तो हमें स्टेप बाय स्टेप बैक चलते जाना है, सबसे पहले यहाँ उठाना है, फिर यहाँ जाना है, फिर यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, यहाँ जाना है और ऊपर चले जाना है, ठीक है। कैसे देखिएगा, जैसे मान लीजिए मैंने आपको कहा कि कोई बहुपद है जिसके शून्यांक हैं 2 और 3, 2 और 3 किसी बहुपद के शून्यांक हैं, वो बहुपद ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे, सिंपल सी बात है, x का मान या तो 2 होगा या तो क्या होगा, x का मान 3 होगा, ऐसा ही तो है ना, देखो नीचे से चल दिए, या तो x का मान 2 होगा या तो x का मान 3 होगा। अब 2 को इधर ले जाओ तो क्या बनेगा, x -2 बराबर 0 बच गए। इस 3 को इधर ले जाओ, x -3 बराबर 0। अब देखिए x -2 भी 0 है, x -3 भी 0 है, तो क्या इन दोनों का गुणा कर देंगे तो वो 0 के बराबर नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। इसका मतलब आप बिल्कुल x -2 और x -3 का गुणा कर देंगे तो वो भी तो 0 आएगा ना, कि या तो ये 0 है या तो ये 0, दोनों में से एक पक्का 0 है, तो दोनों में से या तो ये 0 या तो ये 0, दोनों का गुणा करवाएंगे तो वो भी तो 0 आएगा, दोनों में से एक समय में एक 0 होगा, एक 0 होगा, या तो ये होगा या तो ये होगा, ठीक है। दोनों में से एक भी 0 हुआ तो टोटल 0 हो जाएगा, है ना, इसका मतलब इन दोनों का गुणा भी क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। मतलब बिल्कुल ऑपोजिट चल रहे हैं, पहले ये किया फिर ये किया फिर ये किया। अब उसके बाद क्या करना है, उसके बाद ऐसा कुछ नहीं करना है, उसके बाद ऐसा कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, इनको गुणा करवा दीजिए। इनको गुणा जैसे ही करवाएंगे तो देखो x का x के साथ,
सबसे पहले इस x का इस पूरे के साथ, x माइनस तीन के साथ, और फिर माइनस दो का इस पूरे के साथ। यानी आपने क्या किया, आपने सिंपली इस x का इस पूरे के साथ और फिर इस माइनस दो का इस पूरे के साथ गुणा करवा दिया। ठीक है, गुणा करवाएंगे, सॉल्व करेंगे, देखिए क्या बनेगा। x को x से गुणा करवाया एक्स स्क्वायर, एक्स को माइनस तीन से किया माइनस तीन एक्स, माइनस दो को x से किया माइनस दो एक्स, और देखिए माइनस और माइनस प्लस, तीन दुने छः बराबर जीरो। और देखा आपने माइनस तीन और माइनस दो कितने हो गए, माइनस के पाँच, एक्स स्क्वायर माइनस पाँच एक्स प्लस छः बराबर जीरो। देखा आपने, ये बहुपद बन गया ना। यानी नीचे से जो हमने यहाँ से यहाँ तक लेकर आए थे वो हम वापिस ऊपर लेकर जा रहे हैं, वापिस ऊपर लेकर जा रहे हैं, बस यही है, शून्यांक दिए बहुपद बना रहे हैं। बनाना आ गया, कैसे बनाएंगे देखो। अब उसको तो भूल जाइए, इसको तो भूल जाइए, बहुपद बनाना सीख लीजिए। जब शून्यांक आपको दिए गए हों तो आप क्या करेंगे, x का एक मान और दूसरा मान, या तो ये होगा या तो ये होगा, बीच में एक लाइन लगा लीजिए, उसके बाद उसको इधर ले जाइए। जैसे दो है तो इधर आएगा, इधर जीरो बच गया, ये तीन है इधर आएगा माइनस तीन बनेगा, इधर जीरो बच गया, दोनों का गुणा भी जीरो होगा, दोनों को गुणा करेंगे तो हमारा बहुपद आ जाएगा। बस यही काम इस क्वेश्चन के अंदर करना है। सिंपली समझ आ गया ना कि शून्यांक से बहुपद कैसे ज्ञात करते हैं। क्लियर है ना स्टूडेंट्स, शून्यांक से बहुपद। चलिए अब समझो इस क्वेश्चन को कि क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है, अच्छा एक और चीज़ जो मैंने आपको पहले पहले दिन बताई थी कि जितनी घात का बहुपद होता है उसके उतने शून्यांक होते हैं। यानी यहाँ पर देखिए x की घात कितनी है, चार घात है, यानी x के मान भी कितने आएंगे, चार आएंगे। अब क्वेश्चन देखो क्या कहते हैं, क्वेश्चन कहते हैं कि ये आपके पास कोई बहुपद है कि अन्य सभी शून्यांक ज्ञात कीजिए, अन्य शून्यांक ज्ञात कीजिए। यदि इसके दो शून्यांक ये और ये है, दो दे दिए, बाकी कितने बचे, दो और बचे ना, टोटल चार हैं, दो दे दिए, दो पूछे आपसे, ऐसा क्वेश्चन है। बहुत ही गजब का और बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, और इससे आसान क्वेश्चन कोई और हो नहीं सकता, इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता, सचमुच में बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, कैसे करेंगे इसको पहले तो समझ लीजिए। एक्स की घात चार है, ठीक है, अब क्या करेंगे, दो शून्यांक हमें दे रखे हैं, दोनों शून्यांकों से हम क्या बनाएंगे, बहुपद बनाएंगे। थोड़ा सा लिख लेते हैं कि कैसे करेंगे, जैसे ही क्वेश्चन हो जाएगा ना आपको सब समझ आएगा। देखिए दो शून्यांक हमें दे रखे हैं जी, इन दोनों शून्यांकों से हम क्या बनाएंगे, बहुपद बनाएंगे, है ना, बहुपद बना लेंगे, अभी जो बनाना सीखा। अब अच्छा बताइए, दो शून्यांक है तो बहुपद कितने घात का आएगा, दो घात का ना, दो घात का बहुपद आ जाएगा। यानी इसके अंदर क्या होगा, एक्स स्क्वायर वाली टर्म होगी। ठीक है, अब दो घात का बहुपद, दो घात इसमें शामिल है, दो शून्यांक इसमें शामिल है, लेकिन टोटल कितना है, चार वाला है। तो हम क्या करेंगे, बहुपद आने के बाद इस दो वाले बहुपद के द्वारा इसको देंगे भाग, ताकि इसमें से इन दोनों शून्यांकों का जो हिस्सा है वो तो निकल जाए और बाकी दो शून्यांकों का हिस्सा बच जाए। जैसे छः है तो छः का मतलब क्या होता है, तीन गुना दो, तीन गुना दो होता है। हम जब छः को तीन से भाग दे रहे हैं, छः को तीन से भाग दे रहे हैं, इसका मतलब छः में से तीन निकाल रहे हैं, दो बाकी बच्चा रहेगा, ऐसा ही तो कर रहे हैं। छः में से तीन बाहर निकाल लिया, जो बचा रहेगा वो दो होगा। तो वैसे ही हम क्या करेंगे, जो दो घात वाला बहुपद हमें पता है, इसके बारे में तो हमें पता है ना, तो पता है उस भाग को इसमें से निकाल लेंगे, कैसे, जो बहुपद आएगा उससे इसको भाग देकर। समझ आया ये चीज़, क्वेश्चन करेंगे तो और समझ आएगा। और फिर वो वाला दो घात का बहुपद आ जाएगा जिसका हमें नहीं पता होगा कि शून्यांक क्या है, और जब दो घात वाला बहुपद आ जाएगा तो उसके शून्यांक निकालने तो एकदम आसान है, नहीं पता उसको हम फाइंड कर लेंगे। ठीक है, चलिए, नहीं समझ आया टेंशन लेने की कोई बात नहीं, क्वेश्चन सुनिए, क्वेश्चन को देखिए। अब हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं, अब इस क्वेश्चन को देखते ही आपको समझ आ जाएगा। सबसे पहले तो देखिए, हमें दो शून्यांक दे रखे हैं, कौन कौन से, देखिए सॉल्यूशन यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए दिया है हमें क्या दिया है कि x की एक वैल्यू तो दी है अंडर रूट पाँच बटे तीन, और दूसरी वैल्यू हमें दी है माइनस का अंडर रूट पाँच बटे तीन। कोई बात नहीं, टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है। अब क्या कीजिए, इसको इधर ले आइए, इधर जीरो बच जाएगा, ये प्लस का है, इधर माइनस का आएगा, तो x माइनस अंडर रूट पाँच बटे तीन बराबर जीरो। ये लीजिए, ये बना दिया हमने समीकरण नंबर एक। उसके बाद देखिए इधर आइए, x
अब ये माइनस का है, इधर आएगा प्लस में, प्लस अंडर रूट 5/3 बराबर 0। ये हो गई समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 को गुणा कर देंगे समीकरण नंबर 2 से। यही तो करेंगे, इसका और इसका गुणा 0 और 0 का गुणा 0 ही आएगा, ठीक है। तो आप इसको और इसको गुणा कर दीजिए, तो आप कह देंगे x माइनस अंडर रूट 5/3 और x प्लस अंडर रूट 5/3 बराबर 0 आएगा, ठीक है। यहाँ तक काम हो गया। उसके बाद हमें क्या करना होता था, उसके बाद हमें इन दोनों का गुणा करवाना है, और गुणा करवाते ही हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 घात की बहुपद आ जाएगी। अब गुणा करवाना तो और भी आसान है। कैसे आसान है, ये तो फॉर्मूला बन रहा है, कौन सा भाई, a माइनस बी और a प्लस बी वाला, वो तो क्या बनता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना। ए की स्क्वायर कर दो माइनस बी की स्क्वायर कर दो, टेंशन की कोई बात नहीं है, पहले इसकी स्क्वायर करो एक्स स्क्वायर माइनस, और इसकी स्क्वायर कर दो अंडर रूट 5/3 की, क्या कर दो स्क्वायर कर दो। अब देखिए अंडर रूट 5/3 की स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट हो गया, तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 5/3, एक्स स्क्वायर माइनस 5/3, एक्स स्क्वायर माइनस 5/3, ठीक है। तो ये आ गया हमारा एक वो बहुपद जिसके बारे में हम जानते हैं, यानी इन दोनों शून्यांकों का योगदान आ गया, इन दोनों शून्यांकों का योगदान इस बहुपद में है, और इस बहुपद के बारे में हम जान चुके हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5/3, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, देखो इसके अंदर मान लीजिए, आप ऐसे मान सकते हैं कि शून्यांक 4 लोग हैं, 4 व्यक्ति हैं, 4 व्यक्ति मिलके इसको बना रहे थे, और 2 व्यक्ति मिलके इसको बना रहे हैं। अब ये तो 2 व्यक्ति, इनके नाम तो हम जानते हैं, अब हमें वो 2 व्यक्ति का कंट्रीब्यूशन चाहिए जिनका नाम हम नहीं जानते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें से इन दोनों का हिस्सा हटा लेंगे, जो हिस्सा बचेगा वो उन अनजान लोगों का हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको भाग दे देंगे, -10x -5, यानी इसमें जब इसको इससे भाग देंगे तो ये हिस्सा तो निकल गया, जो बाकी बचेगा वो अनजान 2 शून्यांकों का बचेगा, अनजान 2 शून्यांकों का बचेगा। जैसे जैसे अगर आप कहें कि 12 हैं, 12 को अगर हम 3 से भाग दे रहे हैं, तो 3 का हिस्सा हम निकाल रहे हैं 12 से, बचेगा क्या, बचेगा क्या, देखिए 4 3 12 तो 4 बच गया, इसका मतलब है 3 और 4 का गुणा ही तो 12 बन रहा था, 3 निकाल लिया तो 4 बच गया। और इसी तरह से हम यहाँ करेंगे, इसमें से जब जाने पहचाने लोगों का हिस्सा निकालेंगे तो अनजान शून्यांक आ जाएंगे, और अनजान शून्यांकों वाला जो बहुपद आएगा उससे हम अनजान शून्यांक ज्ञात कर सकते हैं। बहुपद से शून्यांक तो ज्ञात करना हम जानते हैं, तो बस काम हमें यही करना है, इनको भाग देते हैं, दीजिए भाग। वही काम एक्स स्क्वायर को एक्स की घात 4 बनाना है, और 3 भी चाहिए, तो 3x² से गुणा कर देते हैं, ठीक है। अब तो आपकी खूब प्रैक्टिस हो गई ना, ठीक है। चलिए 3 को इससे गुणा करवाया, 3 आ गया, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से गुणा करवाया, एक्स की घात 4 आ गया, लेकिन मामला यह है कि इसको इस पूरे से गुणा करना पड़ेगा। इससे गुणा करवाया तो 3 से 3 कट गया, माइनस के 5x² आ गया, और एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर लिखा जाएगा, ये लीजिए, ये माइनस ये प्लस ये कैंसिल आउट हो गया। अब देखो 6x³ तो आगे आ गया, उसके बाद 5 प्लस के हैं और माइनस के 2 हैं, तो प्लस के 3x² बच गए, -10x -5। यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को डाउट नहीं होना चाहिए, डाउट है तो पीछे जाओ और दोबारा देख लो भाई, दोबारा से देख लो, जब तक समझ नहीं आए, जब तक दिमाग में एकदम फिट नहीं हो जाए, आगे नहीं जाना है, ठीक है। चलिए ये चीज़ क्लियर हो गई। अब देखिए हमें 6x² से 6x³ बनाना है, यानी एक तो हमें 6 चाहिए, एक तो हमें प्लस का 6 चाहिए, और x³ बनाना है, x² है, 1x और चाहिए, तो 1x और ले आते हैं। चलिए इसको और इसको गुणा किया, 6x³ आ गया, ठीक है। अब इसको और इसको गुणा करो, ध्यान से देखना, इस 3 से तो इस 6 को काट देंगे, 2 बचेंगे, और इस 2 का गुणा हो जाएगा 5 के साथ, तो माइनस के 10x आ जाएंगे, ये लीजिए माइनस के 10x आ गए, ठीक है। यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ये और ये तो हो गया कैंसिल। अब क्या बचेगा, 3x² - 5। अब देखिए एक्स स्क्वायर है आपके पास, इसके साथ 3 गुणा मिलाना है, तो 3 से गुणा कर दो बस, प्लस 3 से गुणा कर दो, इसको और इसको किया 3x², लेकिन इसको और इसको करोगे, देखो 3 से 3 कट जाएगा, माइनस का 5 आ जाएगा, माइनस का 5। अब आप कहेंगे शेषफल तो कुछ बचा ही नहीं, शेषफल तो कुछ बचा ही नहीं,
तो भाई शेषफल की तरफ जाना ही नहीं हमने, हमने तो इसका वो वाला हिस्सा निकालना है जो बचा, क्योंकि इसका और इसका गुणा करने पर ये आता है, और वो आ गया हमारा वही अनजान बहुपद जिसके बारे में हम जानना चाहते थे, इसी की खोज में लगे थे हम, क्योंकि ये आ गया ना उसके बाद तो इसके शून्यांक निकालना एकदम आसान है। तो चलिए यहाँ तक नोट कर लीजिए ये अनजान बहुपद आ गया है हमारा। अब इस बहुपद के शून्यांक हम ज्ञात करेंगे, ये अनजान बहुपद इसी की खोज में हम आए हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, तो ये आप नोट कर लेंगे। चलिए अब इस वाले को हम रब कर रहे हैं, आपने नोट कर लिया है ना। चलिए अब देखिए क्या कहता है, ये है आपका बहुपद, देखिए इसमें 2 शून्यांक छुपे हुए थे, कौन से, √5/3 और −√5/3। अब इसमें छुपे हुए 2 शून्यांक ज्ञात करने, तो बराबर क्या लगा दोगे, 0 लगा दोगे, ठीक है। शून्यांक ज्ञात करने का तरीका यही रहता है। अब देखो इस पूरे के अंदर 6 के ऐसे 2 टुकड़े कर दो कि गुणा करें तो इन दोनों के टुकड़े आएँ और जोड़ दें तो 6 आ जाए, तो 3 और 3 को क्या करोगे, जोड़ोगे तो 6 और गुणा करोगे तो इनका गुणा ही आ जाएगा, यानी इसको कैसे टुकड़े तोड़ेंगे, 3x और 3x, ठीक है, एकदम आसान है। और भी आप कर सकते हो, चलिए एक बार सिंपल करके देखते हैं, कोई झंझट नहीं है, जैसा सीखा वैसे ही कर रहे हैं बस, ठीक है। 3x² + 3x + 3x + 3 = 0, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, यहाँ क्या बचेगा, x, यहाँ तो 3x सारा ही चला गया तो +1 बचेगा, प्लस इन दोनों में 3 को मना रहे, यहाँ क्या बचा, x, यहाँ क्या बचा, 1 = 0। अब बताइए ज़रा इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, तो आप कहेंगे इन दोनों में x + 1 और x + 1 कॉमन आ रहा है, तो x + 1 बाहर ले लिया, इसमें क्या बचा, 3x और इसमें क्या बचा, +3 = 0। अलग अलग ले लीजिए, x + 1 = 0, या तो 3x + 3 = 0, या तो ये 0 या तो ये 0, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, +1 उधर जाके क्या हो जाएगा, -1, x = -1 आ गया, ठीक है जी। चलिए उसके बाद क्या है, 3x + 3 उधर जाके -3, उसके बाद 3 से 3 कैंसिल आउट, x = -1, तो ये लीजिए बाकी के जो 2 अनजान लोग थे उनके बारे में हमें पता चल गया, x = -1, x = -1, दोनों सेम टू सेम थे, x = -1, x = -1, तो यहाँ पर आपने देखा कि 2 शून्यांक तो हमें दे रखे थे, 2 जो हमने ज्ञात कर लिए यही थे वो अनजान शून्यांक जिनके बारे में हमें ज्ञात करना था, ठीक है। तो ये था आपका 3 नंबर क्वेश्चन, देखिए कितना अच्छा और मज़ेदार क्वेश्चन था, सचमुच में बताइएगा ऐसा क्वेश्चन आए तो मज़ा आता है ना, क्वेश्चन सॉल्व करने में मज़ा आता है जब ऐसा क्वेश्चन आता है ना, कितने सारे कंसेप्ट इसमें आप ये कह सकते हो कि एक क्वेश्चन में ही डाल रखे हैं। चलिए ये था हमारा तीसरा क्वेश्चन, अब देखिए चौथा क्वेश्चन, बहुत ही गजब का क्वेश्चन चौथा क्वेश्चन ना, मतलब मज़ा आ जाएगा चौथा क्वेश्चन करके। ओके स्टूडेंट्स, सो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें विभाजन एल्गोरिथम की ज़रूरत पड़ेगी, वही जो हमने कल की क्लास में स्टार्टिंग में सीखी थी, ठीक है। विभाजन एल्गोरिथम क्या होती है, देखिए विभाजन एल्गोरिथम हमें ये कहती है कि अगर आप मान लीजिए 10 को भाग दे रहे हैं 3 से भाग देते हैं, तो ये 3 पर जाएगा, 9 बचा और 1 बचा, 9 आया और 1 बचा शेषफल, या माइनस करते हैं ना, तो यहाँ पर देखिए इनके नाम सुन लीजिए क्या क्या है। सबसे पहले देखिए ये तो है भागफल, ये है भाज्य, ये है भाजक और ये है शेषफल। और वैसे ही जब हम बहुपदों के लिए करते हैं तो क्या होता है, बहुपदों पर जब हम कर रहे थे तो हम px को भाग दे रहे थे किससे, gx से दे रहे थे, जो हमारे पास आंसर आ रहा था थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, ये लीजिए px को हम भाग दे रहे थे gx से, जो आंसर आता है हमारा वो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा qx, ठीक है। और उसके बाद जो बचेगा वो होगा हमारा rx यानी शेषफल, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए इनके भी नाम लिख लेते हैं, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये भागफल है बहुपदों के अंदर है ना, कुछ इस तरीके से हम करते हैं, ये हो जाएगा हमारा भाज्य, ये हो जाएगा हमारा भाजक और ये हो जाएगा हमारा शेषफल,
और हमने देखा था कि विभाजन एल्गोरिदम हमें एक और चीज़ कहती है कि आप यहाँ पर एक और फॉर्मूला बना सकते हो। कौन सा फॉर्मूला? आप कह सकते हो कि अगर आप भागफल और भाजक का गुणा करते हैं, भागफल और भाजक का गुणा करते हैं, जैसे मान लीजिए 3 × 3 करते हैं तो ये क्या बन गया, 9। 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10 बन जाएगा ना, समझ आइए बात। अगर आप क्या करते हैं, अगर आप क्या करते हैं, देखिए भाजक गुणा भागफल करते हैं और उसमें अगर आप शेषफल जोड़ देते हैं, देखिए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एकदम सटीक है, अगर आप उसमें शेषफल जोड़ देंगे तो आपका भाज्य आपको प्राप्त हो जाएगा। 3 और 3 भाजक और भागफल का गुणा किया, शेषफल जोड़ दिया तो भाज्य आपको वापस से मिल जाएगा। वैसा ही यहाँ पर क्या बनेगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, अगर आप भाजक और भागफल का गुणा करेंगे, भाजक क्या है नीचे देखो, भाजक क्या है, जी एक्स है। अगर आप भागफल के साथ गुणा कर देंगे यानी क्यू एक्स यहाँ पर गुणा कर देंगे और आर एक्स यहाँ पर जोड़ देंगे तो आपके पास पी एक्स प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि पी एक्स का मतलब क्या होता है, पी एक्स का मतलब होता है कि आप भागफल और भाजक को गुणा कर दो, शेषफल जोड़ दो, आपका पी एक्स आपको प्राप्त हो जाएगा यानी भाज्य आपको प्राप्त हो जाएगा। बस यही फॉर्मूला आपको आना चाहिए, ये है आपकी विभाजन एल्गोरिदम, ठीक है, ये है आपकी विभाजन एल्गोरिदम। तो इसको अपने साइड में नोट कर लेते हैं क्योंकि इसका उपयोग हम करने वाले हैं, ठीक है, समझ आई ना विभाजन एल्गोरिदम क्या कहती है। चलिए ये चीज़ बिल्कुल थर्ड फोर्थ क्लास में हमने ये चीज़ सीख ली थी, ठीक है। चलिए इसको एक बार लिख लेते हैं, जी एक्स गुणा क्यू एक्स प्लस आर एक्स बराबर पी एक्स होगा, ये हमारी विभाजन एल्गोरिदम कहती है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन पर आइए, क्वेश्चन के अंदर आपको क्या क्या दे रखा है, देखिए क्वेश्चन के अंदर आपको पी एक्स दे रखा है, यानी ये वाली चीज़ आपको दे रखी है, ठीक है जी। उसके बाद क्या कहता है, जी एक्स से भाग देने पर जी एक्स ज्ञात करना, यानी जी एक्स तो आपको ज्ञात करना होगा। दिया क्या है, देखिए भागफल और शेषफल क्रमशः, ये भागफल है और ये शेषफल है, ये क्या है भागफल, भागफल क्या होता है तो भागफल हमारा क्यू एक्स होता है और शेषफल होता है हमारा आर एक्स, है ना, क्यू एक्स और आर एक्स दे रखे हैं। तो देखो हमें क्यू एक्स दे रखा है, आर एक्स दे रखा है, हमें जी एक्स फाइंड करना है, कैसे करेंगे देखिए सिंपल है। इसके अंदर जो फाइंड करना होता है उसको एक तरफ रखते हैं, बाकी को दूसरी तरफ ले जाते हैं। फॉर्मूला बनाइए, जी एक्स गुणा क्यू एक्स पड़ा है, पड़ा रहने दो, आर एक्स को उधर ले जाओ, पी एक्स था ये प्लस का आर एक्स, उधर जाके माइनस का आर एक्स, यानी क्या समझे, आपको पी एक्स में से आर एक्स घटाना पड़ेगा, तो घटा दीजिए, यहाँ घटाते चलते हैं, पी एक्स एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2, ये तो क्या है पी एक्स, हमने क्या किया पी एक्स में से घटा दिया आर एक्स, घटा दो इसमें से आर एक्स, घटाओ आर एक्स है ये वाला अंदर पूरा, माइनस 2x + 4। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2, इस माइनस को अंदर गुणा कर दो, माइनस और माइनस प्लस, प्लस का 2x, ये माइनस और प्लस माइनस, माइनस का 4, ठीक है। अब देखिए पी एक्स माइनस आर एक्स क्या आ गया, एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर पूरे में एक ही है तो माइनस 3x². अब देखिए x और 2x प्लस के 3x हो गए, माइनस के 4 प्लस के 2, 4 में से 2 गए 2 बचे, लेकिन निशान किसका, बड़े का, बड़ा कौन है 4, इसका मतलब माइनस का निशान आएगा माइनस का 2, क्योंकि माइनस का 4 प्लस का 2, माइनस का 2 बच गया, तो ये आ गया हमारा px माइनस rx ये आ गया, ठीक है, क्लियर हुआ पी एक्स माइनस आर एक्स आ गया, लेकिन हमें तो चाहिए जी एक्स, हमें तो क्या चाहिए जी एक्स चाहिए, यानी हमें तो क्या करना है पी एक्स माइनस आर एक्स है, ये गुणा वाला उधर ले जाओ तो कहाँ जाएगा, भाग में जाएगा, भाग में जाएगा, तो इस भाग को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो कि पी एक्स माइनस आर एक्स को भाग देना है किससे, क्यू एक्स से भाग देना है, पी एक्स माइनस आर एक्स ये रहा, पी एक्स माइनस आर एक्स ये रहा, इसको भाग देना है हमें और किससे भाग देना है, क्यू एक्स से भाग देना है, क्यू एक्स ये रहा, देखो मैंने आपके सामने इस चीज़ को लिखा है। सबसे पहले मैंने क्या किया, ये फॉर्मूला लिखा, आर एक्स को उधर लेकर गए, पी एक्स माइनस आर एक्स आ गया,
जी एक्स और क्यू एक्स गुणा में पड़े हैं। अब हमने क्या किया, अब हमने सिंपल क्या किया, क्यू एक्स को इसके भाग में ले गए, लेकिन उससे पहले हमने पी एक्स माइनस आर एक्स यहाँ पर अलग से फाइंड कर लिया। ये हमारा पी एक्स माइनस आर एक्स है, ठीक है। इधर बराबर में लिखना चाहो तो लिख लो, पी एक्स माइनस आर एक्स ये रहा, ठीक है, पी एक्स माइनस आर एक्स ये रहा, ये हमारा पी एक्स माइनस आर एक्स है, जहाँ भी ज़रूरत पड़े इसको रख देंगे। अब पी एक्स माइनस आर एक्स को क्यू एक्स से भाग देना है, तो क्यू एक्स से भाग देना है पी एक्स और आर एक्स को, ठीक है, पी एक्स माइनस आर एक्स को, इसकी जगह हमने ये रख दिया, क्यू एक्स का मान रख दिया। अब इसको जैसे ही आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास जी एक्स का मान आ जाएगा। समझ में आ गया, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, उधर वाले फॉर्मूले, ये फॉर्मूले आप नोट कर लीजिए, इनको मिटा के फिर हम वहाँ भाग करेंगे। ये फॉर्मूले नोट कर लीजिए, इनको मिटा के हम फिर वहाँ पर भाग सॉल्व करेंगे, और जैसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर में आ जाएगा, ठीक है। चलिए करें, चलिए करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर किसको किससे भाग देना है, चलिए मार्कर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे, ठीक है। x की क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस दो, और इसको भाग देना है x माइनस दो से। तो आप जानते हो x को x क्यूब बनाया जाए, कैसे बनाया जाए, एक्स स्क्वायर से गुणा करके बनाया जाए, एक्स स्क्वायर, तो ये बन गया x क्यूब, इसको इससे गुणा किया, माइनस के दो एक्स स्क्वायर बन गया, है ना स्टूडेंट्स। चलिए ये माइनस और ये प्लस, क्यों, क्योंकि निशान चेंज हो जाता है, निशान चेंज हो जाता है प्लस माइनस में, माइनस प्लस में, ये कैंसल आउट हो गया, माइनस का तीन प्लस का दो, माइनस का तीन प्लस का दो, तीन में से दो गए एक बचता है, लेकिन माइनस का या प्लस का जो बड़ा उसका, तो तीन बड़ा है यानी माइनस का बचेगा, तो माइनस का एक एक्स स्क्वायर माइनस का ये लीजिए, और बाकी सेम टू सेम, प्लस तीन एक्स माइनस दो। अब देखिए एक्स को एक तो एक्स स्क्वायर बनाना है और एक माइनस में बनाना है, तो माइनस एक्स, माइनस एक्स से गुणा करोगे तो माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि एक तो माइनस चाहिए और एक एक्स्ट्रा एक्स और चाहिए, तो इसलिए माइनस एक्स से गुणा करवाएंगे। अब माइनस और माइनस प्लस हो गया, दो गुणा एक्स दो एक्स हो गया, ये लीजिए ये प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में, ये कैंसिल आउट, तीन में से दो एक्स कैंसिल आउट, तीन में से दो एक्स गए, एक एक्स बच गया माइनस दो। अब देखिए इसको कितने से गुणा करवाएंगे एक्स माइनस दो बन जाए, इसको तो एक से गुणा करवा दो, तो चलिए एक से गुणा करवा दिया, तो एक्स माइनस दो शेष पर शून्य, यानी ये देखिए ये जो आया यही हमारा क्या हो जाएगा जी एक्स, क्योंकि हमने क्या लिखा, हमने लिखा कि अगर इसको भाग देंगे तो हमें जी एक्स प्राप्त होगा, इसको भाग देने पर हमें जी एक्स प्राप्त होगा, तो देखो जी एक्स हमें प्राप्त हो गया, तो जी एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। ये था आपका फोर्थ क्वेश्चन, एकदम आसान गजब का क्वेश्चन था, है ना, गजब का क्वेश्चन, जिसमें हमने विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग किया था, ये लीजिए। अब चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पर, फिफ्थ क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, एकदम आसान सा क्वेश्चन है आपका फिफ्थ क्वेश्चन, देखिए फिफ्थ क्वेश्चन आपको कुछ नई चीज़ें सिखाने वाला है, नई चीज़ों का मतलब है कि होगा यही सब कुछ, लेकिन थोड़ा सा आपको एंटरटेनमेंट भी करेगा, मज़ा भी आएगा, और बहुत ही गजब का क्वेश्चन है। देखिए क्या कहता है आपका जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है, चलिए 2.3 का पांचवा क्वेश्चन देखो क्या कहता है, बहुपदों पी एक्स जी एक्स क्यू एक्स और आर एक्स को ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिदम को संतुष्ट करते हो। अब विभाजन एल्गोरिदम क्या होती है, तो विभाजन एल्गोरिदम हम सभी जानते हैं, विभाजन एल्गोरिदम को ऐसे लिखें तो ज़्यादा समझ आता है ना, पी एक्स को जी एक्स से भाग देंगे, क्यू एक्स हमें प्राप्त होगा और आर एक्स आएगा शेषफल, ये है विभाजन एल्गोरिदम, ठीक है। इस विभाजन एल्गोरिदम के अकॉर्डिंगली सेट आने चाहिए पी एक्स क्यू एक्स जी एक्स और आर एक्स के मान, जो भी आप लें वो इसके अकॉर्डिंगली सेट आने चाहिए। अब शर्तें कुछ दी गई हैं, आपको कहा गया है कि आपको पी एक्स जी एक्स क्यू एक्स आर एक्स सब कुछ अपने दिमाग से सोच के बताने हैं और ऐसे उदाहरण बताने हैं कि इसके अकॉर्डिंगली सेट हो जाए, जैसे मैंने आपको उदाहरण बताया। एक बार बिना बहुपद के करते हैं, जैसे मैंने आपको कोई भी उदाहरण बताया जो इसके इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सेट बैठे, जैसे मैंने आपको कहा था कि 10 को 3 से भाग दो, 10 को 3 से भाग दो कितना आएगा,
सिंपल सी बात है, 3 आएगा, 9 और एक शेष वाला गया। ये लीजिए, ये विभाजन एल्गोरिदम को सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि इसमें जी ये है, क्यू ये है, पी ये है और आर ये है। ठीक है, सिंपल सी बात होगी। वैसे ही जैसे मैंने आपको 10, 3, 3 और 1 बताया, वैसे आपको भी उदाहरण बताने हैं, बस आपको उदाहरण बताने हैं, कोई भी उदाहरण आप बता सकते हो, लेकिन इसकी भी कुछ शर्तें उसने दी हैं। क्या शर्तें दी हैं? क्वेश्चन नंबर 5th का फर्स्ट पार्ट देखिए। फर्स्ट पार्ट एक शर्त लगाता है कि घात पी एक्स बराबर घात क्यू एक्स होनी चाहिए, घात पी एक्स बराबर घात क्यू एक्स होनी चाहिए। इसी का एक और रूप आप जानते हो ना, कि जी एक्स को जब गुणा करते हैं क्यू एक्स से और प्लस करते हैं आर एक्स, तो हमें पी एक्स प्राप्त होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब वो क्या कहता है, वो कहता है कि जो क्यू एक्स की घात है वही पी एक्स की घात होनी चाहिए, यानी इसमें एक्स स्क्वायर है तो इसमें भी एक्स स्क्वायर होना चाहिए, अगर यहाँ एक्स क्यूब है तो यहाँ पे भी एक्स क्यूब होना चाहिए। अब ध्यान से देखिएगा कि क्या ऐसा पॉसिबल है, क्या ऐसा पॉसिबल है। देखिए, क्यू एक्स को मान लीजिए मैंने एक्स स्क्वायर लिख दिया, एक्स स्क्वायर लिख दिया, और मुझे पी एक्स में भी एक्स स्क्वायर चाहिए। यहाँ मैंने एक्स स्क्वायर लिख दिया और ये भी हमें एक्स स्क्वायर चाहिए, क्योंकि इसने क्या कहा है कि घात सेम होनी चाहिए, आगे पीछे कोई भी संख्या हो सकती है लेकिन घात सेम होनी चाहिए, घात सेम होनी चाहिए। इसका मतलब यहाँ भी स्क्वायर और यहाँ भी स्क्वायर होनी चाहिए। इसका मतलब तो यही निकलता है ना कि जी एक्स में कोई, अगर जी एक्स में मैं एक्स लिख दूँ, जी एक्स में मैं एक्स लिख दूँ, तो एक्स और एक्स स्क्वायर का गुणा क्या हो जाएगा, इन दोनों का गुणा क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब, और पी एक्स में तो एक्स क्यूब आना चाहिए, जबकि या तो एक्स स्क्वायर मांग रही है, तो फिर क्या किया जाए। तो इसका मतलब ये है कि आप जी एक्स को ऐसा लो कि यहाँ पर एक्स ना आए, एक्स ना आए इसका मतलब आप 4, 5, 6 कुछ भी ले सकते हो। समझ आई बात? यानी इसकी और इसकी घात सेम तभी हो सकती है क्योंकि जोड़ने से घात नहीं बढ़ती है, गुणा करने से घात बढ़ती है। जैसे एक्स स्क्वायर में आप एक्स जोड़ रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ा घात पर, लेकिन एक्स स्क्वायर में एक्स गुणा कर रहे हो तो ये एक्स क्यूब बन गया। देखो, घात ऐड हो गई, घात बढ़ गई, लेकिन यहाँ जो क्यू एक्स की घात है वही हमें आगे सॉल्यूशन में चाहिए, यानी जो इसके गुणा में हो रहा है वो इसकी घात को बढ़ाना नहीं चाहिए। अगर घात नहीं बढ़ाना है, इसका मतलब यहाँ पर वो चर मौजूद नहीं होना चाहिए, यहाँ पर केवल और केवल हमें संख्या लेनी पड़ेगी। और ऐसे उदाहरण, ऐसा उदाहरण देखो, बिल्कुल सिंपल उदाहरण आपके सामने, जैसे मैं ऐसे लिख दूँ, एक उदाहरण मैंने लिखा कि आप जी एक्स को मान लो 4, जी एक्स को क्या मान लो, जी एक्स को क्या मान लो 4, मैंने क्या कहा जी एक्स को आप 4 मान लो, और पी एक्स को क्या मानोगे, तो पी एक्स को 4 का कोई गुणज मान ले, 4 यानी 4 को किसी से गुणा करके ऐसे मान ले। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि पी एक्स आप मान लीजिए जिसमें 4 मौजूद हो, पी एक्स में 4 मौजूद होना चाहिए। जैसे मैंने माना 4x² + 8x + 12, इसमें देखो, इसमें भी 4, इसमें भी 4, इसमें भी 4 मौजूद है, 4, ठीक है, मौजूद है 4। अब क्या किया जाए, अब क्या किया जाए, वही करेंगे ना, जी एक्स से पी एक्स को भाग देंगे और देख लेंगे क्यू एक्स और आर एक्स क्या आ रहा है। हमने अपनी मर्जी से मान लिया जी एक्स और पी एक्स, और हमने ये चेक ज़रूर कर लिया कि जी एक्स पी एक्स में से अपना हिस्सा निकालता है ना, जी एक्स पी एक्स में से अपना हिस्सा निकालता है, तो वो कहीं एक्स ना निकाल ले, एक्स नहीं निकालना चाहिए, वो अपने हिस्से निकालते समय उसकी पी एक्स की घात में कोई चेंज नहीं करना चाहिए, बस यही हमारा मकसद यहाँ पर है। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पर कोई एक्स नहीं लिया, केवल संख्या ले ली है। ठीक है, अब दीजिए पी एक्स को भाग दीजिए जी एक्स से, चलिए सीधा ही लिख लेना, आप समझदार हो गए हैं तो, समझदार हो गए हैं तो सीधा ही लिख लेते हैं, 8x + 12, इसको हमने देना है 4 से भाग, 4 से भाग देना है, देते हैं जी। अब क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, आप तो क्या कीजिए, आप तो इसको एक्स स्क्वायर से गुणा करवाइए, क्या हो जाएगा 4x² हो जाएगा, 4x² हो जाएगा। माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, देखिएगा सिंपल सी बात हो गई, हमें क्या करना है कि 4 यहाँ पर मौजूद है, 4 यहाँ पर मौजूद है, हमें क्या करना है, सिंपली इससे कराना है। ठीक है, यानी इसको इससे भाग देना है। क्या किया जाए, सबसे पहले पहला कदम देखिए, पहला कदम तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर से गुणा करवा देंगे, तो 4x² बन गया, सिंपल है बहुत ही,
या माइनस किया, ये कैंसल आउट हो गया, बचा क्या 8x बचा। अब 4 को 8x बनाना है तो 2x से गुणा करेंगे ताकि 4 दुने 8 और x बन जाए, तो ये लीजिए 8x बन गया। निशान चेंज, ये भी कैंसल आउट हो गया, ऊपर से क्या उतरेगा, यहाँ पर उतरेगा 12 और ये 12 नीचे उतर जाएगा। अब 4 को 12 बनाना है तो कितने से गुणा किया जाए, 3 से गुणा किया जाए, तो ये बन गया 4 थी 12। ये लीजिए शेषफल आ गया शून्य, शेषफल शून्य आ गया, ये आ गया हमारा, ये आ गया हमारा क्यू एक्स। तो ये लीजिए सबके मान आपके पास प्राप्त हो गए, हमने सबके उदाहरण बता दिए, अपनी मर्जी से बता देते थे ना, हम अपनी मर्जी से कुछ भी बता सकते हैं, बस वो उसके अकॉर्डिंगली सेट बैठने चाहिए, ठीक है। तो आपने जी एक्स पी एक्स अपनी मर्जी का ले लिया, क्यू एक्स आपके पास आ गया और आर एक्स आपके पास आ गया, ठीक है। और जी एक्स इस अकॉर्डिंग लिया कि वो पी एक्स की घात में कमी ना कर दे, ठीक है, बस इतना ध्यान रखा। तो आपने देखा, देखो इसमें भी स्क्वायर आ रहा है और इसमें भी स्क्वायर था, तो क्या पी एक्स और क्यू एक्स की घात सेम हुई, बिल्कुल हुई, पी एक्स और क्यू एक्स की घात सेम हो गई। ये लीजिए दोनों की घात सेम, ऐसा उदाहरण हमने बता दिया, जी एक्स ये रहा, पी एक्स ये रहा, क्यू एक्स ये रहा, आर एक्स तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है, वो तो जीरो ही है। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट फिफ्थ क्वेश्चन का, ठीक है। अब ऐसा ही सेकेंड क्वेश्चन देखिए, यानी फिफ्थ क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट देखिए। ऐसे क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हैं, बस अगर आपको एक बार समझ आ गया ना लॉजिक क्या है, क्वेश्चन कह क्या रहा है, तो उसके बाद बस आप सिंपली कर दोगे, ठीक है। उसके बाद देखिए सेकंड कहता है घात ऑफ क्यू एक्स बराबर घात आर एक्स। सेकेंड पार्ट कहता है कि क्यू एक्स की जो घात है वो आर एक्स की घात के बराबर आनी चाहिए। क्यू एक्स की घात आर एक्स की घात के बराबर कैसे लाएं, तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम वाली बात है नहीं, कि हमें उसने क्या कहा कि आपकी क्यू एक्स और आर एक्स सेम घात की होनी चाहिए, उसने यही कहा है। तो आप क्या कीजिए, क्यू एक्स को कुछ भी मान लीजिए, क्यू एक्स को कुछ भी मान लीजिए, एक घात वाला मानते हैं अपने, ठीक है। जैसे मैंने कहा एक्स प्लस वन, क्यू एक्स की घात देखिए कितनी है, क्यू एक्स में एक्स की ज़्यादातर घात कितनी है, मैक्सिमम घात कितनी है, एक है ना, एक्स की घात कितनी है, एक है, तो आर एक्स भी एक घात वाला ही होना चाहिए। तो आर एक्स को अपने मान लीजिए एक्स, मान लो एक बार सबसे आसान मान लेते हैं, ठीक है, सबसे आसानी मान लिया आर एक्स को हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया, बस ये दोनों सेम घात के होने चाहिए और तो कुछ नहीं कहा ना। ये लीजिए हमने सेम घात के ले लिए, और जी एक्स तो आपकी मर्जी है, कुछ मर्जी लो, ये लीजिए 4 ले लिया, जी एक्स मर्जी है, जी एक्स के लिए तो उसने कुछ नहीं कहा ना हमें, जी एक्स के लिए कुछ नहीं कहा, तो लीजिए जी एक्स हमने अपनी मर्जी से माना कुछ भी, और इन दोनों की घात सेम मानी लेकिन अपनी मर्जी से माने। फिर क्या करेंगे, उसके अंदर सेट करके पी एक्स की वैल्यू और ज्ञात कर सकते हैं। तो पी एक्स कैसे होता है, इन दोनों को गुणा करके आर एक्स जोड़ दें, तो इन दोनों को गुणा करते हैं, जी एक्स को गुणा करते हैं क्यू एक्स से और उसमें आर एक्स जोड़ देते हैं, तो हमें पी एक्स प्राप्त हो जाता है। बस यही, जी एक्स की वैल्यू कितनी है, 4 है, 4 को गुणा करना है क्यू एक्स से यानी एक्स प्लस वन से, और प्लस करना है आर एक्स यानी एक्स, बराबर हो जाएगा पी एक्स। चलिए पी एक्स की वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं, 4 को गुणा कीजिए, 4x प्लस 4 प्लस एक्स, तो ये कितना बना, 4x और 1x 5x प्लस 4 बराबर पी एक्स। तो ये लीजिए एक ऐसा उदाहरण आ गया आपके पास जिसमें पी एक्स आपके पास है, जी एक्स है, क्यू एक्स है, आर एक्स है, और इन दोनों की घातें भी सेम हैं, और ये इस विभाजन एल्गोरिदम को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसको भी संतुष्ट कर रहे हैं। ये लीजिए इतना आसान है, इतना आसान है बताना, कितना आसान है, अपनी मर्जी से बताना है, कुछ भी आप बता सकते हैं अपनी मर्जी से, कोई भी एग्जांपल। अब इसका थर्ड पार्ट देखिए और इसी के साथ हमारी प्रश्नावली पूरी की पूरी कंप्लीट हो जाएगी। सिर्फ लास्ट देखिए, लास्ट कहता है घात आर एक्स बराबर जीरो। तीसरा क्या कहता है, तीसरा एग्जांपल कहता है घात आर एक्स बराबर जीरो। आर एक्स में घात जीरो होनी चाहिए। घात जीरो का मतलब क्या है कि एक्स की घात जीरो हो, प्लस में चाहे कुछ भी हो सकता है, 2, 4, 6, चलिए 6 मान लिया हमने, 6 मान लिया, एक्स की घात जीरो का मतलब क्या है, कुछ भी नहीं है, सीधा 6 लिख दें, ठीक है। किसी की घात जीरो का मतलब क्या है, उसका मतलब कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, सीधा 6 ले लिया, ठीक है। जैसे आप 6x की घात 0 लेते हो तो इसका मतलब क्या है कि ये अकेला क्या है, 6 ही है, ठीक है, क्योंकि x की घात 0 का मतलब 1 है, ठीक है। तो घात rx की 0 कब होगी, 0 घात का मतलब क्या होता है कि उसमें कोई भी चर मौजूद नहीं है। तो rx आपने ये मान लिया,
अब आप जी एक्स और क्यू एक्स चाहे कुछ भी माने, सेम टू सेम मान ले। चलिए जी एक्स हमने ले लिया चार, जी एक्स हमने कितना ले लिया चार, और क्यू एक्स हमने कितना ले लिया, क्यू एक्स ले लिया हमने एक्स प्लस वन। अब क्या पी एक्स नहीं बना सकते हम? बना सकते हैं ना। कैसे? जी एक्स को गुणा करना है क्यू एक्स से और उसमें आर एक्स जोड़ देना है। जोड़ते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। ये लीजिए जी एक्स कितना है, चार है, और क्यू एक्स कितना है, एक्स प्लस वन है, और आर एक्स कितना है, छः है। चलिए चार को गुणा किया, चार एक्स प्लस चार प्लस छः, छः और चार दस आ गया, तो कितना आ गया, चार एक्स प्लस दस। ये लीजिए पी एक्स आ गया, क्यू एक्स आ गया, जी एक्स आ गया और आर एक्स, जिसमें आर एक्स की घात जीरो हो। उदाहरण ही बताने थे, अपनी मर्जी से बताने थे। बिल्कुल बच्चों, इसमें आपको देखकर नहीं लिखना कुछ भी, देखकर नहीं करना कुछ भी, अपने दिमाग की उपज से कुछ भी एग्जाम्पल आप बनाइए। बस जो शर्त ये कह रहा है उस शर्त को आप मान लीजिए, बाकी उदाहरण आप कुछ भी बताइए, ठीक है। तो ये इस प्रकार से हमारी प्रश्नावली जो है पूरे धूम धड़ाके के साथ कंप्लीट, चैप्टर नंबर दो जो है पूरे बड़ी ही धूमधाम से हम जो है चैप्टर का कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसका रिवीजन कीजिएगा, टेस्ट दीजिएगा, टेस्ट में आपके मार्क्स बहुत ही अच्छे आने चाहिए, तभी मुझे लगेगा कि हाँ स्टूडेंट्स को डेफिनेटली मेरे पढ़ाने का फ़ायदा पहुँचा है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ अगली कक्षा में। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।